स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले पर हुआ, जहां पीएम मोदी ने झंडारोहण किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे थे। इसके अलावा सेना ने आजादी के जश्न को अपने तरीके से मनाया, तो पूरी दुनिया में तिरंगा फहराता दिखाई दिया। हर भारतीय इन तस्वीरों को देखकर गर्व महसूस करता है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे मनाया जा रहा है आजादी का जश्न। टेलीविजन स्क्रीन पर आप 6 अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी की, जो लाल किले से सामने आई। पीएम मोदी ने 11वीं बार आज झंडारोहण किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तिरंगा फहराया। दूसरी तस्वीर लाल किले से आ रही सामने, राहुल गांधी की। राहुल गांधी लाल किले पर पहुंचे। और तीसरी तस्वीर युवाओं से पीएम मोदी मिले। आपको बता दें कि देश के अलग अलग कोने से पीएम मोदी ने लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें उन लोगों से पीएम मोदी खुद मिलने भी पहुंचे। ये चौथी तस्वीर दिल्ली से आ रही है, जहां सेना ने गन सैल्यूट दिया। इसके बाद पांचवी तस्वीर आपको लद्दाख से दिखा रहे हैं, यहां भी झंडारोहण किया गया। छठवीं तस्वीर विदेश सिंगापुर से आ रही है, जहां विदेशों में भी झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलग अलग जगह से ये 6 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। का लाल किले में भाषण था। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने कई सवाल भी उठाए, अपनी सरकार की नई नीतियां भी बताई, अपनी उपलब्धियां भी लोगों के साथ साझा की। ২০২৩ में पीएम मोदी का सबसे बड़ा भाषण था, जो पूरा 97 मिनट यानी कि 97 मिनट का था। इस बार ये समय बढ़ा, 1 घंटे के आसपास का पीएम मोदी का आज भाषण रहा, जिसमें उन्होंने कई मुद्दे उठाए देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए। देश के कोने कोने से आज दिल्ली के लाल किले में लोग पहुंचे। आज जश्न आजादी का माहौल था। देश में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इससे पहले मोदी राजघाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने बापू की को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उसके बाद लाल किले पहुंचे, झंडारोहण का कार्यक्रम किया, राष्ट्र गीत हुआ। उसके बाद पीएम मोदी ने सभी को अपने भाषण से संबोधित किया। लाल किले में आज राहुल गांधी भी पहुंचे। तस्वीर सीधा लाल किले से आपको दिखा रहे हैं। विदेशों में भी तिरंगा लहराया गया है। छठवीं तस्वीर आप देख सकते हैं, सिंगापुर की सामने आ रही है, जहां आज तिरंगा लहराया गया। देश के अलग अलग कोने से हर वर्ग के लोगों को आज लाल किले में आमंत्रित किया गया था, जिससे सीधा मोदी ने बातचीत की, लोगों से संवाद किया। इस
इसके अलावा कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के साथ हादसे पर भी पीएम मोदी ने बयान दिया। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करते हुए ममता सरकार को भी घेरा, साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान गिनाई। आज पूरा देश जश्ने आजादी मना रहा है। आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले में आज वे नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने भाषण भी दिया और कई अहम मुद्दों को भी उठाया। आज उनका पूरा कार्यक्रम था। सुबह राजघाट पहुंचे जहां उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की, जिसके बाद वो सीधा लाल किले के लिए रवाना हुए। वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रगीत गाया और झंडारोहण का कार्यक्रम किया, जिसके बाद उन्होंने लोगों के को संबोधित भी किया। इसी खबर पर हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से निशार अहमद और चंडीगढ़ से अमित सेट्टी और लखनऊ से जितेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। आप सभी को तो पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरा जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज आपके जिलों में किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्योंकि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस था और लाल किले में आज नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा को संबोधित किया और कई अहम मुद्दे भी उठाए। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले लखनऊ में किस तरह से आज माहौल रहा। देश अपना स्वतंत्रता दिवस साफ कहा जा सकता है कि जहां देश भर में आजादी की धूम चारों तरफ दिखाई दे रही है, राजधानी लखनऊ में भी बहुत धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। चाहे विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो मौजूदा सरकार हो, सभी ने ध्वजारोहण करके कहीं ना कहीं आजादी के इस पर्व को मनाने का काम किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से विधानसभा पर राज्यपाल के साथ कहीं ना कहीं झंडारोहण करके देश के वीर सपूत है जो पुलिस कर्मी है उनकी सलामी लेने का काम किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में कई कई बड़ी अहम बातें कही, जिसमें साफ तौर पर कहा कि आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। विधानसभा के सामने सांस्कृतिक काम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई देता हूं। प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हमारा तिरंगा भारत की आन बान शान हमारी है और हर तिरंगा हर घर तिरंगा जो उत्सव कहीं ना कहीं देश भर में मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। भारत को एक विकसित देश बनाना है और भारत को तिरंगा भारत की आन बान शान के साथ साथ राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया गया है वो कहीं ना कहीं एक सिद्ध संकल्प है और कहीं ना कहीं नए भारत के भेदभाव नहीं किया जाएगा और रेवेन्यू प्लेटफॉर्म से बनेगा देश की दूसरी अर्थव्यवस्था में भारत है और उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाला उत्तर प्रदेश है। और साफ निकाल सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहाँ अपने संबोधन को उत्तर प्रदेश के वासियों के नाम देशवासियों के नाम देने का किया, तो वही दूसरी तरफ सेना के जवानों ने सलामी देकर कहीं ना कहीं इस देश की अखंडता अखंडता और विश्वास उसको बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं संदेश देने का काम किया। और विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने कार्यालयों में झंडारोहण कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। कांग्रेस कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी अब से कुछ ही देर बाद कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस मनाने का झंडारोहण शुरू करेंगे। साफ निकाल चुका है कि आज देश का प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम कर रहा है और जो स्वतंत्रता आजादी जो हमको मिली है उन जो शहीद बलिदान है जिन्होंने बलिदान दिया, जिस शहीदों ने स्वतंत्रता सेनानी उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने का काम आज किया गया। ठीक है, बिल्कुल। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे आज नीतीश ने झंडारोहण के बाद बड़ा ऐलान किया, उन्होंने 12 लाख नौकरी देने का भी लोगों को वादा किया है।
जी देखिए मैं बता दूं कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और उसके बाद जो है वो सारे बिहार वासियों को हार्दिक बधाई दी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। और उन्होंने वहां पे 13 झांकियां भी निकाली गई जिसमें झांकियों में सरकार द्वारा विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं और समाज सुधार अभियान और महिला को सशक्तिकरण को भी दर्शाया गया। मैं बता दूं कि दरअसल यहां पे काफी भीड़ थी, 30,000 लोगों के लिए एक वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया था और वहीं पे करीब 1,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और सारे रोड बंद कर दिए गए थे, सुरक्षा के दृष्टि से सारी व्यवस्था की गई थी। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में अपने कार्यों को गिनाया, अपने बिहार में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में बताया और उसके बाद बिना नाम लिए उन्होंने लालू प्रसाद पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार की जो हालत थी और अब कितनी सुधार हुई है वो आप कुछ समझ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। निशार ये बताइए कि आज जम्मू कश्मीर में किस तरह से माहौल था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है। कुछ मौसम मेहरबान नहीं रहा क्योंकि आज सुबह से यहाँ पे सभी बारिश का सिलसिला जारी रहा जिसकी वजह से कहीं एक दो मुकाम पर यहाँ पे जो जो ठीक है अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से चंडीगढ़ का आज माहौल रहा, स्वतंत्रता दिवस किस तरह से सेलिब्रेट किया गया? बिल्कुल, अगर बात की जाए 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है चंडीगढ़ में कई जगहों पर जो है कार्यक्रम जो है किए गए। वहीं अगर चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की अगर हम बात करें तो वहां पर चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर द्वारा जो है आज देश के जो है तिरंगा झंडे को जो है लहराया गया। और साथ ही अगर बात की जाए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो था वहां पर भी कार्यक्रम था। वहीं सिक्योरिटी अगर पर्पज की बात की जाए तो उसके इंतजाम जो थे वहां पर किए गए थे और कई जो पुलिसकर्मी थे उनको जो है वहां पर जो है सम्मानित भी किया गया और जो समाज सेवी थे उन्हें भी जो है बिल्कुल वहां पर जो है सम्मानित किया गया। साथ ही झांकियां जो है दिखाई गई। अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ पुलिस के पास जितने भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी जो है वहां पर जो है दिखाया गया। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आज कार्यक्रम जो है किया गया। जी बिल्कुल। देखिए जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज लखनऊ में जिस तरह से झंडा रोहण का कार्यक्रम किया गया, एनडीए की दोबारा तिवारा सरकार बनी है तो ये काफी खास रहा, तो योगी जी ने क्या कुछ अहम अपने भाषण में कहा जो लोगों के हित के लिए रहा हो?
ठीक है, आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। पुलिस विभाग में अच्छा काम करने वाले अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने भारत के प्रति आस्था रखने वाले हर घर हर व्यक्ति को आज के दिन की शुभकामनाएं दी। आज पूरा देश आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश में निदेशक शिशिर सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया और देश के तिरंगे को सलामी दी गई। अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, सारे सूचना विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को, उपस्थित जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आह्वान करता हूँ कि हम सब लोग इस स्वतंत्रता दिवस के उसको समझें, उसके महत्व को समझें और आज अपने स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे रहे हैं, जो वीर बलिदानी जो देश के लिए सीमाओं पर शहीद हुए हैं, उनको याद करें और उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दें और अपने नागरिक कर्तव्यों को ध्यान दें और देश को कैसे आगे बढ़ाना है इस पर युवा पीढ़ी विचार करे। धन्यवाद। देश में एक मजबूत लोकतंत्र है और आपने अभी उस बात को कहा, कैसे देशवासियों को जागरूक करेंगे लोकतंत्र के कर्तव्यों के प्रति? संविधान, हमें इतना अच्छा संविधान मिला है, हमें यहाँ प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है पूरी, बस अपने नागरिक कर्तव्यों को ध्यान रखना है। आज जो देश के आसपास देशों में घटनाएं हो रही हैं, उनसे सबक लेना है कि कैसे हमें अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण। फिलहाल बुलेटिन में आज बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।